गाइस, मैं हूं अमिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज शादी का जो गठबंधन है ना, वो खोलने का दिन है, तो यही काम करने दुल्हा एंड दुल्हन आते हैं यहाँ पे। तो आज खोलेंगे, ही इज रेडी, क्योंकि आज हल्दी भी लगानी होती है और इस घर का नियम ना शादी भी करानी होती है, मतलब फिर से। लेकिन आई थिंक यहाँ पे आज शादी नहीं कराएंगे। कराएंगे क्या? नहीं कराएंगे। बॉबी देखिए साड़ी पहनी है, साड़ी पहन के वो बहुत अच्छी लिखती है ना। और इन दोनों का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इनको सर्दी जुकाम है और इनका पेट का प्रॉब्लम है। तो इन दोनों की तबीयत कल बहुत ज्यादा खराब थी, वो ड्राई फिश करके बहुत ज्यादा करके खाई थी इसने, और नेक्स्ट डे हो गया हालत खराब। हमारा थोड़ा थोड़ा हुआ था, लेकिन इसका बहुत ज्यादा हुआ। आज इन लोगों को बुलाया है कि आ जाओ, क्योंकि गठबंधन खोलने का काम जो है ना, वो तीन चार लोग मिलके करते हैं। इन लोगों का चाय पीना खत्म हो जाए, उसके बाद हम लोग जो रिचुअल है ना, वो करते हैं स्टार्ट। देखो देखो कितना प्यार है, कितना प्यार है। अभी बैठो। तो यहाँ पे गठबंधन खोलने के लिए हमने कुछ पैसों की डिमांड किया था, तो इसके लिए काफी देर तक हमने मतलब बातचीत चल रहा था, तो हमने कुछ डिमांड किया, वो लोग मान ही नहीं रहे थे। देन फाइनली हम लोग मतलब म्यूचुअली एक डिसीजन पे आए, तो फाइनली वो लोग देने के लिए राजी हो गए और फिर हमने रस्म जो है ना वो की। যার দাড়ি তার মায়া নাই বাবা, এর কি মায়া, সর্বনাশ করছে। হ্যাঁ দাড়িওয়ালা বাবা, কি অবস্থা?
तो लास्ट रस्म जो है ना वो शादी की वो भी हो गई है और अभी मेरी हालत कुछ ऐसी है। मैंने क्या किया, एक ही पैकेट था गुलाल के, तो वो सब मैंने उन दोनों के ऊपर डाल दिया और उन लोगों के बॉडी में जो भी गुलाल मिला ना अपने माथे पे, तो वो गुलाल थोड़ा सा मेरे ऊपर आया है और विहान के ऊपर हल्का हल्का छींटा आया था, तो मैंने विहान को नहला दिया है। और ये सारे जो है ना ये हल्दी नहीं है, ये सारे हैं बेसन, तो क्योंकि हल्दी लगाने का रस्म है यहाँ पे आज, तो इसलिए बॉबी ने पहले ही बेसन लगा दिया था, क्योंकि हल्दी से बॉबी को मतलब बॉबी की सेंसिटिव स्किन है ना तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए फेस पैक लगा हुआ है आप बोल सकते हो। और उसके बाद ना मैंने रिकॉर्ड नहीं किया जो हुआ ना, एक बड़ा सा कंटेनर आप लोगों ने देखा था ना वहाँ पे, तो वो बड़ा सा कंटेनर भर के मैंने पानी रखा था, तो एक छोटा सा ऐसे घट टाइप का था, तो वहाँ से मैंने हल्का हल्का ऐसे पानी छिटा दिया, तो उन लोगों को लगा कि हो गया। फिर मैंने एक बड़ा सा कंटेनर उन दोनों के सर के ऊपर डाल दिया, बहुत मज़ा आया, बहुत मस्ती आई। फिर बॉबी ना एक छोटा सा कंटेनर में पानी भर के बॉबी मेरे पीछे भागा और मैं भी भागी, बट हाँ मुझे भिगा नहीं पाया उसने, लेकिन उन दोनों को खूब मैंने भिगाया और बहुत मज़ा आया। अब अभी पिंटू फ्रेशन अप हो गए हैं और बॉबी गई है फ्रेशन अप होने। और व्यान, हाउ आर यू? आई एम जॉल। आई एम जॉल, ओके। तो व्यान की तबीयत पहले से बेटर है, लेकिन थोड़ी देर पहले ना जब ये रस्म हो रहा था तब उसने वॉमिटिंग कर दिया था, लेकिन अच्छी बात है ना कि इस टाइम पे अगर वॉमिटिंग करो तो अच्छा ही होता है, सारा जो कफ वफ है ना वो बाहर निकलता है। तो थोड़ी सी धूप आ रही है, कल बहुत ज्यादा तेज ठंड थी, लेकिन आज ना मतलब मौसम जो है ना वो ठीक ठाक ही है। मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, तो आज है नेक्स्ट डे, तो कल बॉबी एंड उसके हस्बैंड की विदाई यहाँ से नहीं हुई थी। जनरली गठबंधन खोलने के बाद ही फौरन मतलब शाम तक वो लोग चले जाते हैं, यही रिचुअल है, लेकिन क्या है ना कि कल बंगाली मंथ का फर्स्ट डे था, तो इसलिए कल हम उन लोगों को भेज नहीं सकते थे, तो और रात को वो लोग यहाँ पे रुक भी नहीं सकते थे, तो कुछ ऐसा हुआ था, तो इसलिए क्या हुआ कि हमने ना उसको उन दोनों को रात में कहीं और सोने के लिए भेज दिया था, तो रात को कहीं और उन्होंने रात गुजारा और फिर सुबह यहाँ पे चले आए। और इस टाइम पे ना एक और एक फंक्शन होता है, छोटा सा गेट टुगेदर टाइप होता है, जहाँ पे मतलब दामाद जो है ना वो नए दामाद सबको खिलाते हैं, मतलब नए खर्चा जो होता है ना वो नए दामाद का होता है, तो आज वो होने वाला है हमारे यहाँ पे। और 30-40 लोगों की इनविटेशन है हमारे घर में, मतलब सारे रिलेटिव्स जो है ना, सारे जो क्लोज है उन लोगों को ही बुलाया है हमने, लेकिन हाँ यहाँ का जो रिलेटिव्स है ना बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए 30-40 लोग हो गए, तो इस चीज़ का खर्चा जो है ना वो दामाद के पॉकेट से जाएगा, मतलब जाता है। ये टिया के टाइम पर भी आप लोगों ने देखा होगा, तो हमने ना बॉबी के ससुराल वालों को भी बुलाया है कि वो लोग भी आ जाए, और आज वो लोग रवाना भी होने वाले हैं, मतलब बॉबी रवाना होने वाली है अपने ससुराल, तो वो लोग आएंगे यहाँ पे, खाना वगैरह खाएंगे, फिर उन दोनों को लेके चले जाएंगे, तो आज घर सुना हो जाएगा। और आज ना मतलब हमारा भी चले जाने की बात थी कि हम लोग भी चले जाते, तो मम्मी बोली कि सब लोग एक ही दिन में मत जाओ, बहुत सुना सुना लगेगा, घर एकदम खाली हो जाएगा, तो इसलिए हम आज नहीं कल जा रहे, क्योंकि बिहान का भी स्कूल है ना, मैंने तो काफ़ी दिन से मैंने मिस कर दिया, दिसंबर में एक दिन भी मैंने बिहान का स्कूल अटेंड नहीं करवाया। लास्ट सनम की शादी से पहले बिहान गया था, और सनम की शादी हो हुई नवंबर लास्ट में, और फिर दिसंबर, अब तक बिहान ने एक दिन भी स्कूल अटेंड नहीं किया। स्कूल तो चल रहा है स्कूल की तरह, बिहान का जो एग्ज़ाम हुआ ना वो फाइनल एग्ज़ाम नहीं था, वो था सेकेंड ट्राइमेस्टर, और फिर मतलब स्कूल चल रहा है स्कूल की तरह, लेकिन बिहान का स्कूल काफ़ी ज़्यादा मिस हो रहा है, तो मैंने सोचा कि सब कुछ अभी ख़त्म हो गया है तो अभी चलते हैं, तो हम लोग कल जाएंगे। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई कल, क्योंकि कल गठबंधन खोलने में ना हम लोगों ने पैसे डिमांड किया था, पैसे डिमांड करते हैं, और 5,000 मैंने डिमांड किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करने के बाद, आधा घंटा 40 मिनट बार्गेनिंग करने के बाद मुझे मिला 1,000, लेकिन वो भी ठीक है, मिला तो सही है ना, तो 1,000 रुपये मिला, उससे तो बाद में हम लोग पार्टी वार्टी करेंगे। और तो चलिए आज जो खाना है ना वो
मम्मी बनाएगी, मतलब मम्मी और एक जो कुक ऑलरेडी शादी के टाइम से हमारे घर में अभी तक है, तो वो दोनों मिलके बनाएगी और दोनों हाउस हेल्पर है घर में, मतलब शादी के टाइम से चल रहा है, तो कल तक सब मतलब सेटल डाउन हो जाएगा। तो अब तक चल रहा है क्योंकि लोग बुक थे, फिर दामाद भी आने वाला है, तो काफ़ी सारे कुकिंग वगैरह हो जाते हैं ना, तो इसलिए कुक को भी हमने रख दिया था और हाउस हेल्पर भी चल रहा था, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चार लोग मिलके कर लेंगे, है ना। और अगर मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं भी कर लूँगी। काफ़ी टाइम बाद शूट कर रही हूँ मैं, अभी दोपहर की टाइम है, लंच करने का टाइम है और लोग जो है ना वो आ रहे हैं, तो बॉबी के ससुराल वाले ऑलरेडी आ गए हैं और मैंने ना नहा धो के मैंने ये वाला साड़ी पहन लिया है, तो ये और जिसका दिन है मीन्स बॉबी अच्छे से वो रेडी हो गई है।
টাটা আচ্ছা একটু হামি করে চলে যাবে বাবু सो गाइस बॉबी एंड उसके ससुराल वाले सब लोग चले गए हैं और बाकी सारे रिलेटिव्स वो लोग भी चले गए हैं और टिया एंड शुतनुदा ने हम लोगों को थोड़ा सा कंपनी दिया और बाकी कोई भी नहीं था अभी घर में तो टिया के साथ शुतनुदा के साथ हमने बातचीत की थोड़ी से गप्पे वप्पे मारे और अभी ये लोग भी चले जाएंगे तो घर थोड़ा सा सुना हो जाएगा तो बस यही है और ये ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे ख़त्म तो शादी ब्याह का जो सीरीज है ना वो करती हूँ मैं यहीं पे ख़त्म आई होप कि ये वेडिंग सीरीज आप लोगों को पसंद आया होगा मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है और बस अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिएगा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए फिर के साथ टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय